हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे राजस्थान से आने वाली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं इस वेबसाइट पर rajswasth.nic.in पे, ओके। एंड इसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करके, और ये आपका ये आता है लिंक यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, तो इस पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, ये आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो गई और ये आपका 31 अगस्त 2020 की नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आप देखेंगे एनएचएम के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संविदा पदों पर भर्ती के संबंध में आवश्यक सूचना। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है आपकी 6310 वैकेंसी हैं, यानी कि आपकी वैकेंसी है 6310, ओके। और इसकी नियुक्ति कहाँ पे होगी? राजस्थान के अंतर्गत सब हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इनकी नियुक्ति करी जाएगी। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, अगर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखनी है तो आप यहाँ पे इस साइट पे जाके देख सकते हैं, rajswasth.nic.in पे सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और 2 सितंबर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, ओके। और इसमें नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी है बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ अथवा नर्स आपका होना चाहिए, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आपने बीएमएस किया हो यानी कि आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें आप वैकेंसी का देख सकते हैं, इसमें टीएसपी में है 1041 वैकेंसी और नॉन टीएसपी में है 5269 वैकेंसी, टोटल है 6310 वैकेंसी। इसमें आपको सैलरी मिलेगी ₹25,000 पर मंथ, एज है आपकी 18 से 45 साल, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। और इसमें आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का 80, इसमें आप एज रिलैक्सेशन का देख सकते हैं एसटी ओबीसी एंड एमबीसी आप राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स ओनली, ये 5 ईयर का है। और नेक्स्ट में सेकंड में आपका 5 ईयर का है, 3 कॉलम्स में 10 ईयर का है, ओके। तो ये आपका हो गया एज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ₹400, अदर बैकवर्ड क्लास है ₹400, और अदर बैकवर्ड क्लास है आपका नॉन क्रीमी लेयर ₹300, ओके। और सिजुल ट्राइब का है 300 और सहरिया कैटेगरी का है मेल एंड फीमेल 300, ओके। और स्पेशली एबल्ड पर्सन का है ₹200। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट रिक्विजिट एप्लीकेशन फी फॉर द अप्लाइड पोजिशन थ्रू ई मित्र चार्जेस ₹50 विल बी एक्स्ट्रा फ्रॉम द अबव एप्लीकेशन फीस व्हिच इज़ पेएबल टू ई मित्र, यानी ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं और उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा ₹50। और नेक्स्ट है हमारा, कैंडिडेट्स मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन 2 लाइव चिल्ड्रेन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जून 2002, ओके। तो 2 बच्चे होने चाहिए, अगर 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो क्या है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, ओके। और 3 पॉइंट में आपका जो है वो है, कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टिंग, जो आपका स्क्रीनिंग, इसके लिए आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा और उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे।
ओके और आपकी ये वैकेंसीज क्या होंगी? कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होगी। ओके और एंड नेक्स्ट हमारा है आपका, इसमें क्या होगा, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होगा। ओके यानी अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जिन्होंने, जो पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो जहाँ पे कर रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, आपको क्या होना होगा, ज्वाइनिंग से पहले आपको NOC देनी होगी। और आपकी ऑनलाइन एक्सेप्ट एप्लीकेशन में आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच से अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको पासपोर्ट साइज़, रिसेंट फ़ोटो और स्कैंड सिग्नेचर ही आपको अपलोड करना होगा। ओके और नेक्स्ट हम इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपका द रिटन एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन डिटेल्स, डेट, टाइम, वेन्यू एंड गाइडलाइंस फॉर द कंट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO शैल बी मेड अवेलेबल, इसकी वेबसाइट, यानी आपका जब एग्ज़ाम का रिटर्न एग्ज़ाम की जो आपकी डेट होगा, टाइम होगा, स्थान होगा, गाइडलाइंस जो भी होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पर मिलेंगी। ओके तो फ्रेंड्स, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है डिटेल। और नेक्स्ट हमारा है कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कंट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO शैल डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। ओके तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको 13 नंबर कॉलम है, इसमें आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और न्यूज़पेपर्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, ये आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें डिटेल में जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं, अभी जैसे देखा आपने, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड करके आप अच्छे से सारी चीज़ें देख और समझ सकते हैं। ओके और नेक्स्ट हमारा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द फॉर्म आर अवेलेबल ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट www.rajswasthya.nic। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ से rajswasthya.nic.in से आप लेके सारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 16 सितंबर 2020, इसकी लास्ट डेट है, यानी 16 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है, और 2 सितंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके और आपको अपलोड क्या करना रहेगा, एक फोटोग्राफ और दूसरा आपका स्कैन किया हुआ आपका साइन, आपके इसको आपको अपलोड करना होगा। और आप सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, जो भी अपडेट्स होंगे उसके लिए, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको rajswasthya.nic.in साइट आपको चेक करते रहना होगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि अभी MPNHM CHO को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस पर उसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं हमने अपने चैनल पे, और ये वीडियोस आप देख सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और Rajasthan CHO की प्रिपरेशन के लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी हर आने वाले नए वीडियोस को। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे UPNHM CHO के भी वीडियोस हैं और ANM स्टाफनर्स के बहुत सारा मटेरियल हमारे चैनल पे हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।